तो ये पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि एक तरह से ब्रह्मा जी करते हैं, पर ब्रह्मा जी को ज्ञान कौन देता है? ब्रह्मा जी को इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन भगवान ही देते हैं। तो इसलिए व्यक्ति सोचेगा मेरा आइडिया है, मैंने कर दिया, पर वो आइडिया तुम्हारे अंदर आया कैसे? भगवान ने इंस्पिरेशन दिया है। इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे लोग नोबल प्राइज देते हैं, है कि नहीं? किसी ने कुछ बड़ा इन्वेंशन किया, और इन्वेंशन भी कैसा होता है, एक इम्पल्स आता है सडनली, हाँ, जैसे वो है ना आर्किमिडस, आर्किमिडस उसको यूरेका चिल्लाने लगता है, नहा रहा है, नहाते नहाते उसको इंस्पिरेशन आया प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बहुत देर तक प्रयास कर रहा था उसको नहीं आया, नहाते नहाते उसको इंस्पिरेशन आया। तो इंस्पिरेशन कौन देता है? परमात्मा देते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये दुनिया के लोगों को जिन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेंशन किया है उसको नोबल प्राइज देते हैं, पर उसको जो प्रेरणा दिया, इंस्पिरेशन दिया, जो भगवान है, उनको कौन नोबल प्राइज देगा? ये जो बुद्धि बनाया है साइंटिस्ट के रूप में, वो भगवान और महान है ऐसे वैज्ञानिकों से। इसलिए ब्रह्मा जी का भी जो शक्ति है कार्य करने का, वो भगवान हृदय में देते हैं ब्रह्मा जी को। तो ये सृष्टि का निर्माण करने का जो ज्ञान है भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं, और जो जीव है भगवान, ये जीवों को ये शरीर भी भगवान ही देते हैं। जो जो आत्मा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो भगवान बोलते हैं ये जो आत्मा है मेरा अंश है, और भगवान ये भौतिक दुनिया में इम्प्रेगनेट करते हैं, अलग अलग जीवों को ये भौतिक दुनिया में शरीर देते हैं, और शरीर से भोग करने का अलग अलग सामग्री देते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान ही मदद करते हैं जो मुक्त जीव है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि ये भौतिक दुनिया में हो या आध्यात्मिक दुनिया में, हर एक व्यक्ति भगवान पे ही निर्भर है।